नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। इस तरह की प्रॉपर्टी रोज रोज नहीं आती। मेरा हमेशा यही कहना रहता है, जिस प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह की खूबसूरत ग्रीन फेसिंग हो, प्रॉपर्टी में नीचे उतरते ही आपको पार्क मिल जाए। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बहुत कम आती हैं और आज आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो आपको मिलती है गेटेड सोसाइटी में, जहाँ पे आपको ना कार पार्किंग की टेंशन होगी, ना किसी सेफ्टी को लेकर कोई कंसर्न होगा। आज इस प्रॉपर्टी में आपको हम लेके आए हैं, इसके अंदर सारा सामान आपको लगा हुआ मिलता है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, पर्सनल रिकमेंडेशन फ्रॉम बीआरएस रियल एस्टेट्स। काफ़ी अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और इस सोसाइटी के आसपास में आपको बहुत ही बढ़िया मार्केट, बहुत ही बढ़िया ग्रॉसरी शॉप और बहुत ही बढ़िया सब्जियों की जो दुकान होती है, सब कुछ आपको यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। आइए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करता हूँ। अगर आप एक बढ़िया लोकेलिटी में एक अच्छा फ्लैट प्लान कर रहे थे सारे सामान के साथ में, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं जिसके ऊपर आप इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक फ्लैट दिखाना शुरू करता हूँ। दोस्तों ये है आपका इंडिपेंडेंट फ्लैट जिस पे आप आएंगे। ये प्रॉपर्टी जो है टॉप फ्लोर की है, यानी कि इसके ऊपर आपको मिलेगी सीधा छत और यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लैट है, मतलब इस फ्लोर पे केवल आपका फ्लैट रहेगा। यहाँ से आप गेट लगा सकते हैं अपना। ये हमारे दो बेडरूम्स हैं इस तरफ और पीछे की तरफ ओपन स्पेस। एक बार आप इधर आ जाएं। जी हाँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारा बेडरूम नंबर वन, बेडरूम नंबर टू, उधर की तरफ ओपन स्पेस। ये कॉम्पैक्ट ज़रूर है पर इसमें आपको सारा सामान मिलता है, एक बहुत अच्छी लोकेलिटी मिलती है। आइए सबसे पहले मैं आपको रूम नंबर वन दिखाता हूँ। जी हाँ, ये हमारा रूम नंबर वन है। साइज़ अगर आप देखते हैं इस प्रॉपर्टी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है 9 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है पूरे 11 फीट। 9 बाय 11 का रूम नंबर वन जिसमें आपको बेड लगा हुआ मिल रहा है, गद्दा काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया लगा हुआ मिल रहा है और ये स्टोरेज वाला बॉक्स है तो आप इसके अंदर काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको इसके अंदर एक सामने अच्छी खासी विंडो मिल रही है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा पीछे जाते हैं, यहाँ से हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर टू में। दिस इज़ योर बेडरूम नंबर टू और यू कैन कंसिडर दिस रूम एज योर लिविंग एरिया। जी हाँ, यहाँ पे एक तरह से टू रूम सेट बने हुए हैं। आप इसको 2 BHK कंसिडर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट इसी रूम में हमारा इस पोर्शन में किचन बना हुआ है। इस रूम के अंदर भी आपको ये बेड मिलता है 4x6 का, उस रूम में भी 4x6 का। एक हमारी अलमीरा लगी हुई है इधर। साइज़ अगर आप देखते हैं तो 12 फीट ऐसे है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है, तो ये 12x12 का काफ़ी बड़ा स्पेस बन जाता है। एक बार आप इस तरफ आएँ। यहाँ से अब आप जो ये पूरा का पूरा फ्रेम देख रहे हैं, ये हमारी फ्रंट साइड की पूरी वॉल है। इसमें एक तो आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिल रहा है इस पूरी विंडो से, सेकेंडली आपको ये LG का TV मिल रहा है 32 इंची और यहाँ पे आपको मिलता है हायर का एक छोटा वाला फ्रिज। ये आपने फ्लिपकार्ट अमेजन पे बहुत ज़्यादा देखा होगा, काफ़ी ट्रेंडिंग हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये। उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं, दिस इज़ योर किचन पोर्शन। इस किचन के अंदर बड़े आराम से आप आराम से खाना वाना बना सकते हैं, आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। नीचे मॉड्यूलर पूरा का पूरा जो बास्केट वाला सिस्टम होता है वो लगा हुआ है। एक सिलेंडर मुझे एक्टिव कंडीशन में दिख रहा है यहाँ पे, एक आपका 2 बर्नर का स्टोव और ऊपर स्टोरेज है, इधर RO लगा हुआ है, ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है। बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। जो यहाँ के ओनर है इस प्रॉपर्टी को काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं और इस पूरी लोकेशन में जितने भी फ्लैट्स हैं उसमें आपको एयर होस्टेस पायलट जैसा क्राउड मिलेगा रहने के लिए। यहाँ पे यंगस्टर भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रहना बिकॉज ऑफ दी लाइवली इन्वायरमेंट जो यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ से आते हैं आप थोड़ा इस तरफ, एक बार आप सामने आ जाइए। जी हाँ, तो ये हमारा ओनली वॉशरूम है इस प्रॉपर्टी का। एक बार आगे जाके इस वॉशरूम को देख लीजिए। इसमें आपको डायमेंशन मिलते हैं पूरे के पूरे 6x6 के। एक वेस्टर्न सीट मिलती है, गीज़र लगा हुआ है आपका और वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे वेंटिलेशन है। और ये जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है, यानी कि पूरा 10 फीट ऐसे और लगभग 5 फीट ऐसे, 10x5 का जो पूरा पोर्शन है, ये आपकी बालकनी है जिसको आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेचुरल लाइट के साथ में यूज़ कर सकते हो और आपको अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला व्यू इंजॉय करना है तो आप इसको खोल सकते हो, ये वाला व्यू इंजॉय नहीं करना है तो आप इसको ऐसे लगा के बंद भी कर सकते हो। ये इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी प्रॉपर्टी आज की, काफ़ी बढ़िया
अच्छा बना हुआ, दो जिसमें प्रॉपर बेडरूम आपको मिल रहे हैं, किचन मिल रहा है, सारा सामान मिल रहा है, तो ले सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी को। फ्लोर इज़ दी ओनली कंसर्न मे बी आपको लगे, बिकॉज लिफ्ट आपको नहीं मिलती है यहाँ पे, लेकिन उसी के चलते रेंटल काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्डिंग की, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम शायद थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। प्रॉपर्टी का कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं, चेक कीजिए आपको ये सूट करती है नहीं करती है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया डील आपको मिल रही है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।